चांगलं प्रोसेस, चांगलं काम केलं असं. निश्चितच यापूर्वी मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार कधी मिळाला आहे? हो, आधी गेल्या वर्षी मिळालेला. गोलंदाजी करताना की बॅटिंग करताना मिळाला होता? गोलंदाजी मधून. दुसरा पुरस्कार आहे तुझा, अभिनंदन. खूप चांगली कामगिरी तुम्ही केलेली आहे, अंडर प्रेशर छान कामगिरी निशांत जाधवने केली, त्याचं मनापासून अभिनंदन असेल. तर पुन्हा एकदा मायक्रोफोन वरती निश्चित आताच आमचे आदरणीय सन्माननीय समालोचन कक्षामधले लिजंड कॉमेंटेटर हरीश पांड्या सरांनी सांगितलं की सुप्रीम कॉमेंटेटर अर्थात पहिल्यांदाच संधी मिळाली होती. प्रमोद शेडगे यावेळेला जॉईन होतील मायक्रोफोन वरती. थँक्यू व्हेरी मच प्रशांतजी आदवडे सर. यावेळेला काय जबरदस्त स्टायलिश फटका, आउट ऑफ द पार्क, मॅग्निफिसंट टायमिंग, टी फॉर टेम्परामेंट, टी फॉर टायमिंग, टी फॉर टेक्निक अँड टी फॉर टॅलेंट. व्हॉट अ शॉट, सुपर्ब. जैसे गेंदबाज के खिलाफ प्रमोद अगर अब इस तरह का स्ट्रोक खेल रहे तो आपका कॉन्फिडेंस सात के आसपास पर है. वली शानदार स्ट्रोक. वेला चेंज ऑफ पेस, लोअर वन चेंडू होता, सरळ चेंडू निघून जातोय संदीप सांबरेच्या हातामध्ये. मात्र संदीपकडे ती कुवत आहे, ती क्षमता आपल्याला पाहायला मिळते. वली खान कालच चर्चा करत असताना सांगितलं की सर चेंडू लगेच जलद गतीने ट्रॅव्हल होतो, फक्त तुमच्याकडे टायमिंग खूप महत्वाची भूमिका आहे आणि ते वली खानने पहिल्याच चेंडूवर दाखवून दिलं. ऑन साईडला टायमिंग अप्रतिम पाहायला मिळतं. चेंडूचा पाठलाग करेपर्यंत चेंडू या वेळेला मात्र निघून जाईल. जणू काही चेंडूवर चार धावांची मोहर उमटवली. आमच्या चिमुरडेच्या स्वागतासाठी येतोय वाली प्रीमियर लीग चौकार चार. विकेट पर रन बनते हैं. अभी ये शॉट अगर देखे तो वो फाइनली की तरफ खेलना चाहते थे, गेंद जल्दी बल्ले के ऊपर आई और स्क्वेयरली की तरफ चले गए चार रन के लिए. द ग्रेट स्टार्ट संदीप या वेला मात्र अप्रतिम टप्पा अचूक पद्धतीने पाहायला मिळतो. या वेळेला प्रशांत जी आपण पाहिलं तर वली खान थोडासा जागा बनवून खेळण्याचा प्रयत्न करत होता, गॅप मध्ये खेळण्याचा मनसुबा होता, परंतु चेंडू आणि फळीचा व्यवस्थित समन्वय झाला नाही. डॉट चेंडू येत असताना संघाची धावसंख्या जर आपण पाहिली तर धावसंख्या 10 धावा 10 रन्स चार चेंडूच्या समाप्तीनंतर. पहिल्या षटकातील पाचवा चेंडू P1 सुरू आहे. या वेळेला ऑन साईडला खेळलं इनफील्डच्या वरून अगदी नेत्रदीपक फटका, नियंत्रणबद्ध स्ट्रोक पाहायला मिळतो. MS धोनी कॉपी बुक स्टाईल मध्ये चेंडूला वळवलं, चार धावन करता येतोय खणखणी सनसणीत WPL चौकार. ऋतिका स्ट्रायकर संघ विन झाल्यानंतर राहुलजी गरे त्यांच्या चेहऱ्यावर थोडीशी स्माईल तर बनतेच, यात काही ते मात्र शंका नाहीये. करते धरते आहेत, गोड स्वभावाचा धनी या वेळेला आपण पाहू शकताय. चेंडूला पुन्हा एकदा वळवलं गेलं. आता मात्र या ठिकाणी आपण पाहू शकताय चेंडू पुन्हा एकदा निघून जाईल, परंतु पाहू शकताय सुंदर क्षेत्ररक्षण एफर्ट घेतले गेले शेवटच्या चेंडूवर आणि धावांची गती 2 मदतीने संघ जाऊन पोहोचते फलकावर 16 धावसंख्येवर. काय स्टार्ट झाले प्रशांतजी, जबरदस्त चर्चा तर जारी राहील. पहिलं षटक या ठिकाणी कंप्लीट झालं, 16 धावा अप्रतिम, गुड स्टार्ट पाहायला मिळाली प्रथम फलंदाजी करताना पठाण वॉरियर्स या संघाची. घेऊया एक DJ ब्रेक आणि प्रशांतजी यांच्याकडे येऊया, या स्ट्रोक बद्दल वर्णन करूया. पठान वारिस के लिए बहुत ही बढ़िया रही है, जिसमें वली खान 16 पर खेद रहे और रन संख्या 16 रन पर किसी नुकसान के. स्टार्ट अच्छा हुआ है. हर बार देखिए आप एक बार फिर एक अच्छी इनिंग खेलना चाहते हैं तो उसका स्टार्ट अच्छा होना चाहिए. बहुत बढ़िया स्टार्ट बल्लेबाज वली खान द्वारा आफ्टर 1 ओवर 16 पर रन. ड्रीम स्टार्ट, सुपर्ब स्टार्ट या वेला पाहायला मिळते वली खानच्या बॅटमधून. मात्र धावा येत आहेत, धावांची मॅन्युफॅक्चरिंग मशीन या वेळेला पाहायला मिळतोय मिस्टर वली खान. पहिलं षटक संदीप सांबरेचं, वसंत सांबरे आता मात्र दोन बंदू पाहायला मिळतात या संघामध्ये आहेत. पुन्हा एकदा गोलंदाज गोलंदाजी मार्कवर उजव्या हाताने. प्रमोद ऐसा एक खिलाड़ी है जो मैदान के अंदर आप देख रहे हैं, वसंत सांबरे, जिन्होंने प्रभावित किया चाहे बल्लेबाज हो चाहे गेंदबाज हो, पिछले 3-4 सालों से उभर कर आए हैं. डेफिनेटली पुनः एक गोलंदाज
अप्रतिम संतुलन स्ट्रोक होता, मात्र क्षेत्ररक्षकाची बॉडी लैंग्वेज हवी तेवढी नव्हती, चेंडू सरळ निघून जाईल, मिस्टेक केली, चुकीला माफी नाही, चेंडू सीमारेषा पलीकडे येतोय, चौकार चार। गेंद भी बहुत अच्छी थी लेकिन खराब फील्डिंग हुई, इसका फायदा बल्लेबाज को मिलता है, गेंद बॉडी के बाहर चार रनों के लिए जाती भी। यावेला पुन्हा एकदा जागा बनवून खेळण्याचा प्रयत्न जरूर केला गेला, नियंत्रणबद्ध स्ट्रोक होता, प्रॉपरली बॅटचं एलिव्हेशन नव्हतं, तत्पूर्वी यावेला डिक्लेरेशन झोन मध्ये मिळतील दोन धावा। या दुहेरीच्या माध्यमातून पठाण वॉरियर्स संघ जाऊन पोहोचतोय फलकावर, विजय कांबळे आम्हाला दर्शवतात की 22 धावा। पहा प्रशांत जी, जर आपण पाहिलं पठाण वॉरियर्स संघाने आतापर्यंत काय कामगिरी केली, तर तीन सामने खेळले त्यामध्ये एक विन झाला, दोन लॉस झाले, आणि इथे मात्र आई एकवीरा फायटर्सने काय कामगिरी केली, तर दोन मॅचेस मध्ये आतापर्यंत खातं उघडलेलं नाहीये, दोन्ही मात्र पराभूतच्या छायेत आहेत, म्हणजे आई एकवीरा फायटर्स संघ मात्र जिंकण्याच्या तयारीमध्ये असेल की अकाउंट ओपन केलं जाईल दोन पॉइंट ने। और पठाण वॉरियर्स और एक मुकाबला जीतने की कोशिश करेंगे, मजा आएगा, एक अच्छा बैटल है मैदान के अंदर। ऑन साइड ला जबरदस्त प्रहार केला, अखुट टप्प्याचा चेंडू होता, सलाउद्दीन सोडणार नाही, फ्लॅट सिक्स, सहा धावा, क्रॅकिंग स्ट्रोक। अच्छे गेंदों का सम्मान करो, बुरे गेंदों का अपमान करो, परंतु या वेळेला पुन्हा एकदा त्याच पद्धतीने खेळण्याचा मनसुबा वसंत सांबरेने मात्र केली, दांडी गोल, सलाउद्दीनच्या खेळीला पूर्ण विराम, बॅक टू द डगआउट, पाण्याची व्यवस्था करा मैदानाच्या आतमध्ये स्टंप रोवण्यासाठी। धावांची गती जर आपण पाहिली तर धावसंख्या स्कोर कार्ड वर लागली जाते, विजय कांबळे आम्हाला दर्शवतात 28 धावा, फर्स्ट विकेट डाऊन, सलाउद्दीन बॅक टू द पॅव्हिलियन, एक मोठा धक्का सलाउद्दीनच्या स्वरूपात। सर आपको खेलने की जरूरत होती है और सलाउद्दीन के लिए स्टार्ट अच्छा था, 12 रन बनाए थे, 4 गेंदों का सामना किया, वली खान ने 16 रन बनाए, 6 गेंदों का सामना किया, कल राहुल ने देखे क्या जबरदस्त पारी खेली, थोड़ा धीमा खेले लेकिन जो टीम की डिमांड थी उसी हिसाब से बल्लेबाजी की। आपको एक अच्छा स्टार्ट मिलता है तो एक पारी को बुनाने की आदत होनी चाहिए, अब ये विकेट मिला, वसंत भाई से स्ट्राइक करते हैं, स्टार्ट खराब था लेकिन कम बैक कर रहे हैं वसंत सांबरे, पहले विकेट का पतन, पहला ब्रेक थ्रू वसंत सांबरे अपने टीम के लिए दिला रहे हैं। नक्कीच विकेट टेकिंग गोलंदाज मी आहे असं दर्शवत असताना खूप चांगल्या प्रकारचं यावेळेला चेंडू आपण पाहू शकतायत, आणि सरळ चेंडू यष्टांचा वेध घेत सलाउद्दीन बॅट हवेत फिरली होती आणि त्याचंच कारण या ठिकाणी पाहू शकलात, मिस टायमिंग झालं, सरळ चेंडू मात्र यष्ट्यांवर जाऊन आदळला। धावांची गती स्कोर कार्ड वर आतापर्यंत 28 च्या घरामध्ये पोहोचले गेले, चेंडू फिकून झाले ते 4, षटक क्रमांक दुसरा आहे आमच्या लाडक्या प्रेक्षकांच्या माहितीसाठी, हा सामना क्रमांक 2 आजच्या दिवसामधला पठाण वॉरियर्स आणि आई एकवीरा फायटर्स या दोन संघांच्या माध्यमातून आपण सामना पाहतोय। 8:36 ला आजचा मात्र चेंडू या वेळेला पीच झाला, डिलिव्हर्ड झाला आणि तिथून सुरुवात झाली या आजच्या दिवसाला। WPL वाली प्रीमियर लीग 2023 सीजन 6 मधील हा 10वा सामना आतापर्यंत रंगताना पाहायला मिळतोय। यावेळेला पहिला कट करण्याचा प्रयत्न जरूर केला गेला होता, यष्टी रक्षक त्या ठिकाणी बली आपल्याला पाहायला मिळतोय, पुन्हा एकदा चेंडू रिटर्न येत असताना मात्र वसंत सांबरे 5 चेंडू आतापर्यंत व्यवस्थित हाताळले, त्यामध्ये एक षटकार आल्यानंतर स्वतःमध्ये असलेली गुणवत्ता काय आहे, संघ मालकाने माझ्यावर का जबाबदारी टाकले, कर्णधाराने का जबाबदारी टाकले याचं प्रात्यक्षिकरण देत असताना स्टेप आउटहून हलक्याशा हाताने सॉफ्ट हँड बॉडोमॅनचा उपयोग केला, फॉरवर्ड डिफेन्स खेळला गेला, तत्पूर्वी चेंडूला मात्र फील्ड करेपर्यंत मेल सिंगल, दोन षटक झालेत प्रशांतजी आणि दोन षटकांमध्ये आतापर्यंत जर विचार केला तर धावसंख्या जाऊन पोहोचते 29 धावा, सरासरी चांगली आतापर्यंत पाहायला मिळते, 14.50 ची सरासरी ही मात्र यावेळेला योग्य सरासरी आहे आणि चांगली सुरुवात झाली या ठिकाणी, काय म्हणतील, व्हॉट यू कॅन से, कारण दोन षटकांमध्ये 29 धावा। वली खान जैसे बल्लेबाज बीच मैदान पर है जो एक अच्छी पारी खेल सकते हैं, सलाउद्दीन का विकेट गिर गया है और दो विकेट जब आते हैं तो गेंद का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, अगर विकेट आप लेते रहेंगे तो कमबैक करने का मौका भी मिलता है। दो ओवर में रफ्तार के बारे में हम चर्चा करें तो रफ्तार बहुत अच्छी है पठान वॉरियर्स के पास, लेकिन यहाँ से साझेदारी बनेगी, वली खान आखिर तक खेलते रहेंगे तो एक अच्छा टोटल आप जरूर देखेंगे, लेकिन वली खान का विकेट यहाँ मिलता है गेंदबाज को, अब एक बार
गेंदबाजी करने के लिए जो गेंदबाज आए हैं, जिन्होंने प्रभावित किया है, अच्छी गेंदबाजी वो कर सकते हैं, काबिलियत उनके पास है। बद्री जैसे गेंदबाज को कौन नहीं जानता, ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है इनके पास। लेकिन विकेट प्रमोद अगर बात करें तो बहुत हेल्पफुल है बल्लेबाजों के लिए, तो वह आसान भी नहीं है, थोड़ा चैलेंजिंग भी रहेगा, क्योंकि जिस तरह से कल मैंने गेंदबाजी करके इनको देखा था, स्ट्रगल कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, यहाँ रिदम पाना बहुत जरूरी है। वली खान इस पक डेंजरस बल्लेबाज मुझे लग रहे हैं। डेफिनेटली एब्सोल्युटली ट्रू, ज्या पद्धतीने वली खान ने सुरुवात केली, अप्रतिम नेत्र दीपक स्टार्ट पाहायला मिळाली। गोलंदाज बद्री आलम खान मूर्ती लहान कीर्ती महान म्हणून ज्याच्याकडे पाहिलं जातं, वालीव संघातून बिलॉंग करत असताना आज एकवीरा फायटर्स या संघात पाहायला मिळतोय। गुड डिलिव्हरी, टप्पा अचूक पद्धतीने, आज मी चांगली गोलंदाजी करणार प्रशांतजी, हा मात्र त्याचं ध्येय असेल। जेव्हा ध्येय तुमचे उंच असतात तेव्हा तुम्हाला कष्ट अपार घ्यावे लागतात, आणि ते कष्ट या वेळेला बद्री आलम खान घेत असताना आपल्याला पाहायला मिळतोय। पहिला चेंडू तर सुरळीत पणे यष्टी रक्षकाच्या हातामध्ये विसावला गेलाय, या वेळेला टॅप केला जातो अंडर बॉक्स कॉपी बुक स्टाईल मध्ये, वन हँड ने चेंडूला रोखलं गेलंय। तत्पूर्वी मेल 30 yard सर्कल मध्ये एक धाव, धावांची गती फलकावर जाऊन पोहोचते 30 या धावसंख्येवर 30 runs झालेले आहेत। इथून प्रशांतजी मात्र फलंदाज वली खान कशा पद्धतीने फलंदाजी करेल या डगआउट मधून मात्र पठाण वॉरियरच्या पूर्ण लक्ष केंद्रित झालंय। बिलकुल, दुसरी तरफ से आज मौका बद्री को है कमबॅक करने के लिए, रिदम पाने के लिए है, और ये अच्छा बॅटल होगा दो बड़े खिलाड़ी के बीच। अच्छा स्ट्रोक बल्ले के बीच और बीच गेंद को खेलते हुए लॉन्ग ऑन क्षेत्र में संदीप ने गेंद को उठाया है, एक रन लेने का अवसर। वली नॉस्टेकर इनके तरफ आए हैं, तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति है बद्री के लिए वो फॉर्म पाने के लिए, एक अच्छा ओवर डालने के लिए, क्योंकि दो विकेट गिर चुके हैं। वली नॉस्टेकर इनके तरफ आए हैं, नए बल्लेबाज है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म बद्री के लिए बना हुआ है। नक्कीच दिवस वेगळा होता, वेळ वेगळी होती, परंतु इथे मात्र तुम्हाला पुन्हा एकदा कमबॅक करण्याची संधी मिळाली। स्लॉग स्वीपचा फटका पाहायला मिळतो, तत्पूर्वी सिंगल डबल मध्ये कन्वर्ट होईल का, येस डेफिनेटली, दोन धावा पळून पूर्ण केल्या जात आहेत। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, दोन धावा येत आहेत, संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचते फलकावर पठाण वॉरियर्स या संघाची 33 या धावसंख्येवर। हरीश पांड्या सरांनी विचारलं मात्र कर्णधाराला पठाण वॉरियर्सच्या, तर त्यांनी सांगितलं मात्र आम्ही प्रथम फलंदाजी करण्याचा धाडसी निर्णय घेतोय। काल सुद्धा मात्र धाडसी निर्णय घेतला गेला होता आणि त्या निर्णयाला आतापर्यंत खरे उतरलेत दोन्ही फलंदाज। पुन्हा एकदा गोलंदाज, उलटा चेंडू ऑफ साईडला सुरेख पद्धतीने खेळला गेलाय। तत्पूर्वी जर आपण पाहिलं एक्स्ट्रा कव्हरला चेंडू निघून जाईल, फेक येईपर्यंत पुन्हा एकदा आरामकेसात दोन धावा। प्रशांतजी हे क्रिकेटमधील बेसिक आहे, सिंगल डबलला विसरून चालणार नाहीये, सिंगल डबल लाईफ लाईन म्हणून ओळखली जाते, ऍज अ लिटल ऍज अ मिकल, थेंबे थेंबे तळेसाचे, ॲब्सोल्युटली मॅग्निफिसंट थिंकिंग। आपने सही कहा, जिस तरह से लाइफ लाइन को आपको नहीं भूलना चाहिए, लेकिन इस बद्री की गेंदबाजी देखे, रिदम के साथ गेंदबाजी कर रहे, जो तार बढ़ गई थी उसको कम कर दिया है। हेलिकॉप्टर शॉट जरूर करण्याचा प्रयत्न केला गेला, एकदा वर्जित केली जाईल। संदीप सांबरे सारखा एक डेंजरस प्लेअर पाहायला मिळतोय, कारण ऍथलेटिक प्लेअर म्हणून ज्याच्याकडे पाहिलं जातं आणि खऱ्या अर्थानं खूप चांगल्या प्रकारचं ग्राउंड कव्हर करत असताना मी या खेळाडूला पाहिलंय, लॉंग ऑन पासून मिड ऑन पर्यंत धावत जाण्याची क्षमता या मात्र खेळाडूकडे आहे। षटक क्रमांक 3 कंप्लीट झाले, 3 षटकांमध्ये धावसंख्या जर आपण पाहिली तर 12 सरासरी, जी 2 षटकांमध्ये 14.50 सरासरी होती ती मात्र प्रशांतजी आता 12 सरासरीने यावरून सिद्ध केलंय बद्री आलम खानने की मी कमबॅक केलंय। कालचा दिवस जरी माझा नसला तरी सुद्धा आज सकाळची सुरुवात मी चांगली करून देईन माझ्या संघाला, कारण जेव्हा तुम्ही मात्र ही थिंकिंग ठेवतील की संघ आहे म्हणून मी आहे, मी आहे म्हणून संघ आहे जरी थिंकिंग ठेवतील तर तुमचं क्रिकेट कधीच पुढे जाणार नाही। बिलकुल, अच्छा प्रदर्शन बद्री खान द्वारा हुआ, बद्री आलम सॉरी, बढ़िया प्रदर्शन किया और अच्छा ओवर था। दो विकेट गिरने के बाद इन्होंने स्ट्राइक किया और इस ओवर में केवल 7 रन दिए हैं, 3 ओवर का खेल, रन संख्या 36, 1 विकेट के नुकसान पर। वली खान जस्ट प्लेइंग ऑन 17, आकाश पाटिल प्लेइंग ऑन 7, स्कोर 36-1 आफ्टर 3 ओवर। राहुल जी करत इनके नेतृत्व में बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट, गेंदबाजी में परिवर्तन हो रहा है। बद्री खान 7 रन इन्होंने दिए हैं और बढ़िया गेंदबाजी, प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज विशाल चौहान ऑन साइड पर खेलना चाहते थे। टप्पा खाने के बाद क्या गेंद लेग स्टंप के बाहर चली गया, लेग स्टंप के ऊपर से चली गई, लेग स्टंप के ऊपर से चली गई है और गेंद बल्ले को लगी थी। बहुत ही अच्छी अंपायरिंग रही है पिछले 2 दिनों में। लेग बाय है तो लेग बाय का इशारा इस वक्त आशुतोष शिवभारी द्वारा, यहां से स्कोर थोड़ा सा आगे बढ़ता हुआ।
38 एक विकेट के नुकसान पर चौथे ओवर का खेल चल रहा है। विशाल चौहान गेंदबाजी कर रहे हैं, उच्च गति के गेंदबाज, नौजवान गेंदबाज हैं। पिंडिक की जमावट इस वक्त आप देख सकते हैं, एक थर्ड मैन पॉइंट कवर पॉइंट स्टक कवर लॉन्ग ऑफ ऑफसाइड पर पांच खिलाड़ी तैनात। टप्पा खाने के बाद गेंदेजी रहते हुए ऑनसाइड पर पुल करना चाहते थे, गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं, चकमा देते हुए गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्तानों की तरफ और इनकी कोई गुंजाइश नहीं है। बद्री ने एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है, इससे पहले वह दो विकेट लिए गए थे उसका भी फायदा मिला है। बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन, कदमों का इस्तेमाल करते हुए आगे आकर खेलने का प्रयास, जोरदार अपील, रन तो आपको चाहिए। वली ओहो डेंजर इन पर भाग रहे थे, खतरे की घंटी बज रही थी। लेग बाय का इशारा करते हुए आशुतोष बारे, अब चक्कर एक रन तो जरूर मिलेगा, वली खान को मौका मिल रहा है। लेकिन प्रमोद पिछले दो ओवर की कहानी, इससे पहले बद्री ने अच्छी गेंदबाजी की, अब जाकर देखे तो विशाल चौहान शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। नक्कीच अपील जरूर केले गेले होते, परंतु कधी कधी गोलंदाज सुद्धा आपण पाहतो की ऑब्झर्व करायला हवं, स्टेप आउट झालाय की नाही, फलंदाज मात्र पुढे आलाय, आणि अशा वेळेला मात्र आपण पाहतो एलबीडब्ल्यू होण्याचे चान्सेस कमी असतात। आणि म्हणूनच आशुतोष व्यवहारे यांनी मात्र ती दाद फिटवून लावली, सिंगल मिळाली लेग बायच्या स्वरूपात। वली खान बहुत बढ़िया तरीके से गेंद को हुक करते हुए स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती भी, कम खर्चा और भरपूर चर्चा, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन ये लगा WPL सिक्सर। अप्रतिम सुरेख फटका या वेला वली खान पहिल्या चेंडू पासून वेरी फास्ट बॉल पासून मात्र अतिशय दिमागदार खेळ करत असताना पाहायला मिळतोय। इस बार अच्छी गेंद थी विशाल चौहान द्वारा, टप्पा खाने के बाद गेंद रही है, ऑफसाइड पर खेलना चाहते थे लेकिन इस विकेट पर अनइवन बाउंस भी है, ज्यादा नहीं है लेकिन कभी कभार अगर गेंद नीचे रहती है तो बल्लेबाज परेशान हो रहे हैं। वली खान खेल रहे हैं, रन संख्या 45 एक विकेट के नुकसान पर। विशाल चौहान की अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, कदमों का इस्तेमाल किया, हो थर्ड अंपायर वली खान एक बार फिर रन लेना चाहते थे, रन नहीं बन पा रहे थे, स्ट्राइक रोटेट नहीं हो रहा था, इसीलिए क्या थोड़ा पैनिक हुए देखना बहुत जरूरी। वली खान क्या कॉन्फिडेंस है या एक बार फिर अपने डगआउट की तरफ जाना चाहते हैं, अंपायर का क्या फैसला वो भी देखना बहुत जरूरी है, थर्ड अंपायर का इशारा क्या होगा, थोड़ा डिसीजन पे इंतजार करना पड़ता। सॉफ्ट डिसीजन बिल्कुल दिया गया आउट, लेकिन थर्ड अंपायर का इशारा। अभी इशारा कुछ नहीं हुआ है तो बिल्कुल इस वक्त आउट दिया गया है, ये वली को पता था इसीलिए बिल्कुल वो स्टंप से बहुत दूर सर्कल के आसपास खड़े थे। वली खान बैक टू द पैवेल, बड़ी सफलता मिली है रनआउट के तौर पर, विकेट कीपर ने बहुत अच्छा काम किया, शानदार प्रेजेंस ऑफ माइंड, विकेट गिरता हुआ मधुर संगीत बजता हुआ गॉन। धावसंख्या झालेली आहे 45 धावांवर, वली खान ने अप्रतिम फलंदाजी करत 23 धावांची या वेळेला घणाघाती झंझावती खेळ आपल्याला पाहायला मिळत आहे। धावांची गती जर आपण पाहिली तर धावसंख्या स्कोर कार्ड वर 45 वर पोहोचले गेले, खूप चांगलं क्रिकेट मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहू शकताय, दोन संघांमध्ये अतिशय दर्जेदार क्रिकेट, राहुल दादा यांच्या संकल्पनेतून साकार झालेली WPL, आणि सुरेख साथ दिली प्रत्येक संघ मालकांनी, सारंग मित्र मंडळाचे प्रत्येक परिवारातील सदस्याने, आणि तेजल 11 वाल्यू संघाने मात्र साथ देत पर्व 6व्यामध्ये आपण जो प्रवेश केलेला आहे तो दिमागदार सोहळा टेनिस क्रिकेटचा महासंग्राम। आता मात्र हरीश पंड्या सर आपण पाहतो, प्रशांतजी सर, ज्या पद्धतीने ही स्पर्धा मर्यादित राहिलेली नाहीये, पालघर जिल्ह्याची ब्रँड स्पर्धा पाहायला मिळते, अर्थातच वाल्यू प्रीमियर लीग WPL सीझन 6। 45 दो विकेट के नुकसान पर गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज गया संदीप सांबरे, काफी ऑफ टाइम के बाहर जाके गेंद को ऑन साइड पर खेलने की कोशिश बिल्कुल हो रही है। इस वक्त अगर देखे तो बढ़िया गेंदबाजी, तीसरे ओवर के बाद खेल में बिल्कुल बदलाव हुआ है। 45 से दो विकेट के नुकसान पर पांचवा ओवर प्रगति पर, संदीप साबरे पहले ओवर में थोड़ा सा महंगे साबित हुए थे। आकाश पटेल सात पर खेल रहे हैं, बैकफुट चले गए, इंतजार किया बहुत बढ़िया तरीके से, उछाल कर गेंद को खेल दिया था मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ, शानदार और दमदार स्ट्रोक ये लगा WPL सिक्सर।
टाइमिंग बेमिसाल पाहायला मिळाला आणि सरळ चेंडू आउट ऑफ द पार्क यावर आपण पाहू शकता है। उलटा चेंडू होता ऑफ साइडला सुरेख पद्धतीने चेंडूला मात्र इनटू द गॅप मध्ये खेळला गेला एज अ स्विफ्ट एज एन एरो बाणासारखा वेगवान चेंडू सीमारेषा पलीकडे निघून जाईल। येतात या वेळेला चार धावा चौकार बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ आकाश द्वारा गेंद को खेल दिया था गैप में पॉइंटर कवर के बीच का फासला चीरती भी गेंद गोली की रफ्तार के साथ बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई चार रनों के लिए एक दर्शनीय स्ट्रोक आकाश की तरफ से। रन संख्या फिलहाल स्कोर बोर्ड एक बार फिर आगे बढ़ रहा है और ये गेंद बात करके संदीप जो है ना बिल्कुल आज स्ट्रगल कर रहे पचपन दो विकेट के नुकसान पर। ओहो बल्ले कानूनी किनारा लगा था वसंत फिलहाल देखे इस वक्त थोड़ा सा संघर्ष करते हुए आपको वो कैच पकड़ना था बहुत बढ़िया खिलाड़ी उसमें कोई संदेह नहीं है लेकिन चिबंधन मिला आकाश को। रन संख्या अब फिलहाल पांचवा ओवर प्रगति पर है अब तक 56 दो विकेट के नुकसान पर। आकाश याचा झेल घ्यायला हवा होता परंतु तसं घडलं नाही या अगोदर चौकार आला दानिश शेख जय विश्वकर्मा यांचं मात्र चौकाराने स्वागत या ठिकाणी केलं गेलंय। नासिर शेख जे पीपीएल पेला प्रीमियर लीग चे करते धरते आपल्याला सातत्याने पाहायला मिळतात या वेळेला सुरेख पद्धतीने इंटू द गॅप मध्ये खेळला गेलाय सेन्सिबल क्रिकेट बुद्धिमत्तेचं क्रिकेट या वेळेला आपण पाहू शकताय। धावांची गती जर आपण पाहिली तर दोन धावा मिळतील या दुहेरीच्या माध्यमातून धावांची गती फलकावर जाऊन पोहोचते 58 या धाव संख्येवर। प्रशांतजी खूप चांगली रणनीती आतापर्यंत पाहायला मिळते वलीखान बाद झाल्यानंतर प्रेशर होतं ते प्रेशरला रिलीज करण्याचं काम केलंय या दोन्ही फलंदाजांनी बिलकुल संघर्ष तो चल रहा था केंद्र आकाश पाटिल ने पारी को संवारने की कोशिश की है 18 पर केंद्र है एक तरफ समय दो पर बल्लेबाजी करते हुए ऑफ टफ के बाहर अजीत मात्रे हमारे तरफ बढ़ते हुए वाइड बॉल का इशारा कर रहे हैं। रन संख्या प्लस स्कोर तो टोटल इस वक्त बनता हुआ 59 रन दो विकेट के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए पठान वॉरियर्स गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज संदीप सामरी ऑन साइड पर बढ़िया शॉट लेकिन खिलाड़ी बाउंड्री पर तैनात स्क्वायर लेग पर एक रन मुकम्मल किया क्या दूसरे के लिए आएंगे दूसरे के लिए वापस तो नहीं आएंगे दूसरे के लिए अब वापस आना चाहते दो रन मुकम्मल करेंगे थ्रो बिल्कुल कवर करने के लिए जो खिलाड़ी थे वो फंबल होते हुए और इसका फायदा एक बार फिर मिलता बल्लेबाजों को। पांचवा ओवर 59 दो विकेट के नुकसान पर है। इस ओवर की बात करें तो अभी महंगे साबित होते हुए संदीप सामरे 5 ओवर 61 दो विकेट के नुकसान पर है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं ब्रेक के साथ वापस आएंगे प्रमोद शेड़के के साथ चर्चा जारी रहेगी। कर्मा यांचं या ठिकाणी आगमन झालंय एक जबरदस्त हरपन मौला खेळाडू म्हणून ज्याच्याकडे पाहिलं जातं वेलकम जय दानिश शेख पेल्लार संघाचा बाहुबली म्हणून ज्याच्याकडे पाहिलं जातं त्याचप्रमाणे नासिर शेख या ठिकाणी आपण पाहू शकतात आणि गुलाम या वेळेला उपस्थित होत आहेत त्यांचं सुद्धा आम्ही सहर्ष स्वागत करीत आहोत। वेलकम तानाजी दायगोडे यांचं सुद्धा आगमन झालंय मात्र इन ऍक्शन मध्ये पाहायला मिळतील तिसऱ्या सामन्यामध्ये कैवल्य लायन्स आणि साक्षी इलेव्हन दोन्ही संघाचे कॅप्टन या वसंत अपने बोरिंग मार्ग पर तैयार बॅकवर्ड चले गए ऑन साइड पर अच्छा स्ट्रोक लेकर खिलाड़ी है बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी है जिन्होंने लिया कैच और आकाश पाटिल की पारी समाप्त होती भी अच्छा जरूर खेले लेकिन यहाँ एक वसंत को विकेट मिलता हुआ मिड विकेट पर बॉर्डर पर खिलाड़ी तैनात इन्होंने अच्छा कैच लिया विकेट गिरता हुआ मधुर संगीत बजता हुआ धावांची गती जर आपण पाहिली तर या वेळेला 61 वर तिसरा धक्का या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतोय खूप चांगली पार्टनरशिप झाली होती शमीउल्ला एका साइडला आपण पाहू शकला आकाशच्या खेळीला मात्र पूर्ण विराम लागतोय एकविरा फायटर्स संघ अजून सुद्धा विकेटच्या शोधात आणि डॉट चेंडूच्या शोधात पाहायला मिळतात। ऑफ टेक के बाहर गेंद थी और डिक्लेयर क्षेत्र की तरफ जा रही है तो दो रन आपको जरूर मिलेंगे। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर वसंत की बात करें तो इन्होंने पहले ओवर में 13 रन दिए थे दूसरे ओवर का खेल देख रहे तो वसंत का जो ओवर है बहुत अच्छा दबा 63 तीन विकेट के नुकसान पर छठवा ओवर प्रगति पर है। वाली प्रीमियर लीग सीजन 6 आज का दूसरा दिन और आकाश में सफेद बादल में देख रहा हूं धूप खिली हुई है अच्छा मौसम फिलहाल हल्की सी हवा आग एक बार फिर आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन ग्राउंड अच्छा आयोजन इस पूरे प्रतियोगिता का गेंदबाजी करने के लिए वसंत तैयार टप्पा करने के बाद एक बार ज्यादा ऊपर गेंद नहीं आई है बैक पर जाके ऑन साइड पर खेलना चाहते थे
गेंद इनके शरीर को लगी है, वहीं पर लुड़की है। सैमुएल अपने पास स्ट्राइक रखने का प्रयास कर रहे हैं। एक रन जरूर लिया गया है, रन से क्या साथ 63 तीन विकेट के नुकसान पर। खूब चांगली गोलंदाजी, स्लॉग ओवर मध्ये आपण पाहू शकता की अप्रतिम गोलंदाजी, विलक्षण कामगिरी करत असताना अचूक टप्प्यावर भेदक मारा करत फलंदाजाला थांबवलंय। मैग्निफिसेंट बॉलिंग और क्लीन बॉल, सौ सोनार की एक लोहार की, इसीलिए सबको पसंद है वसंत। शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं, बड़ा विकेट सैमुएल अड्डी। वेलकम बैक शमी उल्ला, ह्याची दांडी गोल केली गेली आणि वसंत सांबरेने क्लास गोलंदाजी करत या ठिकाणी थांबवलं गेलंय। कारण शेवटच्या षटकामध्ये जेवढ्या धावा येतात तेवढ्या कमीच वाटतात डगआउट मध्ये, आणि शमी उल्ला सारखा फलंदाज या ठिकाणी तंबूच्या आसऱ्याला परतत असताना, म्हणतात ना आयुष्याच्या पटावरील यशस्वी राजा व्हायचा असेल तर वसंत सांबरे। मैग्निफिसेंट बॉलिंग, जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन इन्होंने किया है और कमबैक अच्छा कर रहे। पहले ओवर में रन जरूर आए थे, इस ओवर में अगर देखे तो ज्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया है। 64 चार विकेट के नुकसान पर है, छठवां ओवर प्रगति पर है। इस ओवर की दो गेंदे बहुत महत्वपूर्ण है। नितिन सिंह तीन पर खेल रहे हैं, नए बल्लेबाज मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं। इकरमुद्दीन और पहली गेंद पर प्रहार, गेंद बिल्कुल बाउंड्री लाइन के बाहर और यह लगा WPL सिक्सर, शानदार सिक्सर। फटका पाहायला मिळाला, स्टाइलिश शॉट आपण पाहू शकला, सरळ चेंडूला फेकून दिला आउट ऑफ द पार्क। इस पर हवा में गेंदे मिस टाइम स्ट्रोक है, टिप्पा बहुत अच्छा था। मिड विकेट पर बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी है, कैच नहीं होगा, दूसरे के लिए वापस आ रहे हैं। दो रन मुकम्मल किया, क्या तीसरे रन के बारे में सोच रहे हैं, तीसरे रन के बारे में सोच रहे हैं। वसंत के हाथ में गेंद और तीन रन मुकम्मल किए विकेट के बीच, अच्छे दौड़ लगाते हुए दोनों खिलाड़ी नितिन सिंह और एक तरफ जहां तक सवाल बल्लेबाज मैदान के अंदर आए हैं। इकरमुद्दीन नौ पर और ये छह ओवर का खेल, छह ओवर के बाद रन संख्या 73 जीतने के लिए 74 रनों की जरूरत है। पठान वॉरियर्स एक विकेट के बीच मुकाबला, जैसे कि इससे पहले बहुत सारी चर्चा हुई इसके बारे में, एक बार फिर जाएंगे प्रमोद की तरफ। लेकिन अब जाकर इस पारी की बात करें तो वली काम 30-10 गेंदों का सामना करते हुए और अच्छी बल्लेबाजी की, रनआउट के तौर पर बैक टू द पैवेलियन चले गए। सलाउद्दीन 12 रन 4 गेंदों का सामना किया। वसंत ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की, उनका विकेट लिया था, शिकार किया था। आकाश पाटिल एक बार फिर, कमलेश ने कैच लिया, बहुत बढ़िया तरीके से वसंत की गेंदबाजी, 8 रन बना के बैक टू द पैवेलियन चले गए और 15 गेंदों का सामना किया। समिल लल्ल की बात करें तो बिल्कुल यहां से इन्होंने बढ़िया बल्लेबाजी करने की कोशिश की, लेकिन केवल 4 ही रन बनाए, अच्छा आगाज किया था और अब जाकर 4 विकेट के नुकसान पर रन संख्या 73 जीतने के लिए एक विकेट को 74 रनों की जरूरत है। तो चलते हैं एक बार फिर टॉस बॉक्स में, हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रमोद शेडगे। तो प्रमोद शेडगे हमारे साथ जुड़ेंगे और कॉम्बॉक्स में वॉइस ऑफ इंडिया। आणखीन महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे प्रमोद, टेनपेल सारखी जी संपूर्ण जगामध्ये गाजलेली स्पर्धा आहे त्याकरता देखील आपण हरीश पंडित सरांचा आवाज ऐकतो। महाराष्ट्रातल्या किंवा देशातल्या सर्वाधिक मोठ्या स्पर्धा करण्याचा मान त्यांना मिळतो, आज आमचं भाग्य आहे ते आमच्या बरोबर आहेत या समालोचन कक्षामध्ये, आणि त्यांना मी विनंती करेन यानंतर पुढच्या इनिंगमध्ये काय घडतंय काय बिघडतंय सांगण्यासाठी या ठिकाणी व्हॉइस ऑफ इंडिया हरीश पांड्या आणि त्यांच्या समेत असतील एक अपकमिंग समालोचक संतोष चव्हाण। जय विश्वकर्मा, यांना विनंती करेन की आपल्या शुभ हस्ते आपण कॉइन स्पिन करावा। एक सुंदर खेळाडू, भरपूर वर्षांचा नेहमीच अनुभवाचा खजिना राहिलाय अशा प्रकारचं एक व्यक्तिमत्व, कूल मॅन म्हणून ज्यांच्याकडे पाहिलं जातं। जय वेलकम तानाजी अँड धीरज आज आमने सामने, क्या बोला आला मेतील टॉस, या ठिकाणी हेड अँड टेल अशा प्रकारचं कॉल आपण पाहू शकताय। WPL अँड सारंग मित्र मंडळ SMM हेड या वेळेला
स्टील आलेला आहे. जय विश्वकर्मा, या स्पर्धेविषयी आपण मनोगत व्यक्त करावं. ऍक्च्युअली मनाडा गेला तर WPL ना प्रत्येक वर्षी होते आणि वर्षानुवर्ष म्हणजे प्रत्येक वर्षी या टूर्नामेंटचं जे आयोजन आहे, ऑर्गनायझेशन आहे, ते छानच असते. नक्की जय, अशी कोणती तुझी स्पर्धा आवडती आहे टेनिस क्रिकेट मध्ये की तू ती स्पर्धा मिस करत नाही? WPL. क्या बात है, थैंक यू वेरी मच. WPL या ठिकाणी मात्र आज उपस्थित झालेत. धीरज टॉस जीता है, क्या फैसला रहेगा आपका? बैटिंग ही करेंगे. कल का ऑल ओवर परफॉर्मेंस देखकर टीम वर्क कैसा रहा आपका? टीम वर्क ही अच्छा था, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस सोचेंगे इस बार और अच्छा करने का. सामने वाली टीम को कितने तक रोकने का प्रयास करेंगे आप? पहली बैटिंग है तो पहले 60 प्लस करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद देखेंगे सेट को कैसे रोकना है. प्लेइंग 11 में कोई चेंजेस अभी? कॉम्बिनेशन के हिसाब से रहेगा. थैंक यू धीरज. जर तानाजी टॉस जिंकला असता तर काय निर्णय घेतला असता? फिल्डिंग येणार होतो. आता मनासारखी क्षेत्रक्षणाची साथ मिळते, त्यांनी सांगितलं की आम्ही जास्तीत जास्त दावा करण्याचा प्रयत्न करू. तुमचा मानस काय असेल? 60 प्लस. प्लेइंग 11 मध्ये काही चेंजेस केलेले आहेत? नाही. नक्कीच सेम टीम राहील. तर दोन्ही संघांच्या यावेळेला कॅप्टनचा आम्ही धन्यवाद व्यक्त करतोय. जय विश्वकर्मा यांचा धन्यवाद व्यक्त, त्यांना विनंती करेन आपण असनास्तन व्हावा. तर या ठिकाणी न्यूज सेंटर अशी आहे टॉस बॉक्स मधून की नाणेफिकीचा कौल झाला. या ठिकाणी जय विश्वकर्मा यांच्या शुभ हस्ते कॉइन स्पिन झाला आणि साक्षी 11 या संघाकडे कौल लागला. साक्षी 11 ऑन द टॉस अँड इलेक्टेड टू बॅट फर्स्ट. बॅक टू कॉमेंट्री बॉक्स नाव. या आपण आवाज ऐकूया व्हॉइस ऑफ इंडिया, अर्थातच हरीश पंड्या सर, एक्सपिरियन्स इज द बेस्ट टीचर, आणि एका साईडला युवा समालोचक याच विभागातील मिस्टर संतोष चव्हाण. तर या ठिकाणी चेतन भगत या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत, किशोरजी धोत्रे या ठिकाणी उपस्थित झालेत, सारंग मित्र मंडळ परिवारातील हे सदस्य या ठिकाणी उपस्थित होत आहेत, त्यांचा धन्यवाद. जाऊया थेट कॉमेंट्री स्टुडिओ मध्ये. सोएब शाह, सोएब शाह आपण कुठे पण आहात, आपणास विनंती असेल की आपण मुख्य मंचावरती यायचे. सोएब शाह पहिला ओव्हर करेंगे. सलाउद्दीन दोस्तो, आप सभी का हार्दिक स्वागत है. वालिव प्रीमियर लीग 2023 वालवा देवी का आशीर्वाद मिली हुई है प्रतियोगिता. आयोजक सारंग मित्र मंडल वालिव एवं तेजल 11 और सलाउद्दीन. लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, पहली गेंद और पहली गेंद पर बल्ले का भारी सिरा, गोल्डन डक, पहला ही बॉल पर विकेट लिया. क्या बेहतरीन कोण बनाया था गेंद ने और टप्पा खाकर बैटर को मजबूर किया था खेलने के लिए. बल्ले का मोटा सिरा और विकेट कीपर के हाथ में कैच. इरफान भाई मंडप वाले यहां पे कांटेक्ट करें. इरफान भाई मंडप वाले, रफीक भाई आपसे प्रार्थना है, आपको कांटेक्ट करना है. कमलेश पटेल का कैच समीउल्लाह खान ने लिया और पहला विकेट सलाउद्दीन को मिला. वाकई में सलाउद्दीन की पहली बॉल टीम को खुशी देकर गई, पठान वॉरियर्स. और अब नए बैटर है तो सलाउद्दीन, जिनके नाम कल एक मेडन ओवर भी रहा है, विकेट मेडन. और वो जो उनका टच है, वालिव के इस मैदान पर खेलने का तजुर्बा और जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की है, उनके खेल से सभी को मुतासिर किया है सलाउद्दीन ने. समीउल्लाह ने कैच लिया. अब नए बैटर है वसंत सांबरे, नॉन स्ट्राइकर एंड पर है बैटर बल्ली. बल्ली मेरे ख्याल से कल 3 बॉल में 3 सिक्स लगाए. ऐसी कोई गली नहीं जहां बल्ली की चली नहीं. बहुत ज्यादा वाइड एंगल, देखिए टप्पा वही रखा था लेकिन इस बार थोड़ा ज्यादा तेज करने का प्रयास और वाइड बॉल रही. यहां पर सलाउद्दीन की स्कोर 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर. हमारे तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत है. टीसीपी लाइव के भी तमाम दर्शकों का स्वागत करते हुए हमें मजीद खुशी हो रही है. क्रीज के कोने से इस बार सलाउद्दीन की गेंद, ओवर पिछली ड्राइव कर दिया स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड और ये लगा चौका बेहतरीन टाइमिंग के जरिए. सीधी लकीर खींची अपने बल्ले से और ये चौका गया वहां पर
बल्लेबाज वसंत सामरेगिना। हाफ ट्रैकर बॉल थी, शॉर्ट अंपुल और इसके साथ ही फंस गए। सकीर ने कैच को लिया और आउट ओवर वापस जाते हुए यहां पर वसंत सामरे सलाउद्दीन को मिलती हुई बड़ी कामयाबी। वसंत सामरे खराब शॉट सिलेक्शन, आई एक मेरा फाइटर संघाला लागतो दुसरा अदरा सर, इथे कदाचित खराब माइंडसेटने फलंदाजी करण्याचा प्रयत्न होता। आपल्याला माहिती आहे पहिल्या चेंडूवरती आपण आपला आघाडीचा सलामीवीर गमावलाय जो की इनफॉर्म नाहीये, पण त्याची विकेट फार महत्त्वाची होती। त्याच्या विकेट नंतर संघाला सावरण्याची संधी होती, हिरो बनण्याचा मौका होता आणि तसेच वसंत सामरे मौक्याचा फायदा उचलू शकला नाही। देखिए सलाउद्दीन की हाइट ज्यादा है, वसंत की हाइट थोड़ी कम है और वसंत ने जब शॉर्ट आर्म पुल खेला, शॉर्ट आर्म पुल खेलने के लिए सफल होकर शॉट के लिए जगह बनाना ये बहुत जरूरी होता है और वो नहीं हो पाया और बॉल मिड विकेट की जगह न जाते हुए वाइडिश मिड ऑन जो बिल्कुल पैरेलल है अजीत मात्रे के वहां पर एक कैच दे दिया। नए बैटर गोपी, वाइड बॉल सलाउद्दीन की, एक अच्छी बॉल फिर एक खराब बॉल फिर एक अच्छी बॉल फिर एक खराब बॉल। सलाउद्दीन अब 6 रन बने हैं इस ओवर में अब तक और 2 विकेट गिर चुके हैं। इस बार ओवर पिच बॉल दी और ये बहुत ही बढ़िया मिसाइल शॉट, बिल्कुल मिसाइल लॉन्च किया और बॉल गई बाउंड्री लाइन के बाहर, उड़न खटोला 6 रन। सर गोपी सिंह याला याज कारणास्तव पाठवले, तुम्ही जा बिंदास बेक ऑफ खेळा, धावा बनो, तुम्ही जेवढा धावा बनवता तेवढा आपल्या टीमला बेनिफिट मिळणार आहे। विचार केला तर 74 धावांचा आव्हान चेस करते विशाल, काय लक्ष्य? 12 रन बन चुके हैं, एक डजन रन पहले ही ओवर में आए हैं। सलाउद्दीन के लिए भी कभी खुशी कभी गम वाला माहौल है। इस बार अपील की गई है शायद स्पेक्टेटर्स कैच और सलाउद्दीन, देखिए अरेबियन नाइट्स की कथाओं में आपने अलाउद्दीन के बारे में सुना था जादुई चिराग, और यहां पर है सलाउद्दीन जिसके पास है जादुई उंगलियां। गेंद की लाइन से अलग करने का प्रयास, परफेक्ट गुड लेंथ बॉल, सलाउद्दीन का एक बढ़िया ओवर समाप्त होता हुआ। ये अलग बात है कि इसमें रन आए लेकिन पावर प्ले का ओवर था और समझा जा सकता है। एक ओवर के बाद 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर, अब 62 रन चाहिए बचे हुए 5 ओवर में, रिक्वायर्ड रन रेट 12.40। इथे संधी होती गोपी सिंगला बघितलं सर, सर आले आले प्रहार केला, एक शेवटचे 2 चेंडू त्याच्याकडे होते, 2 चेंडू म्हणजे 2 ते 3 धावा आल्या असत्या तर कदाचित 15 आकड्यावरती धाव फलक जाऊन पोहोचला असत, पण बॅट आणि बॉल मध्ये संपर्क झाला नाही। या पण प्रथमतः हे विश्वकर्मा यांचा यथोचित स्वागत आहोत। मी राहुल दादा यांना विनंती करेन की आपल्या शुभ हस्ते आपण यथोचित स्वागत सन्मान करावं। जय विश्वकर्मा, गावदेवी धानिव संघातून बिलॉंग करताना 2015 मध्ये पहिला पदार्पण केलं धानिव संघात खासदार चषक भिनारच्या मैदानात, कॅमेरामॅन यांना विनंती करेन। एक एक आपण सन्मान करणार आहोत एक षटकानंतर।
9 रिक्वायर्ड। आप देख रहे हैं वॉल्यू प्रीमियर लीग 2023। इस बार उठा दिया एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से जाती हुई बॉल और ये लगा चौका। क्या उम्दा टाइमिंग रही थी वहां पर गोपी की। पचपन रनों की जरूरत है। इकरामुद्दीन की गेंद आफ्टर कर दी, फेंक दिया इसको, ठोक डाला, 6 रन। गोपी क्रिसेंट होम अप्लायन्सेस राहुल भाई यांच्याकडून सुद्धा विशेष सहकार्य आहे या स्पर्धेला। त्याचप्रमाणे राजस्थान राजपूत परिषद क्षत्रिय मुंबई महाराष्ट्र यांच्याकडून मात्र विशेष सहकार्य आहे। या सर्वांचा आम्ही धन्यवाद व्यक्त करतो, थँक्यू। 25 रन 2 विकेट पर 25 for 2 पठान वॉरियर्स के सामने। अब बिल्कुल पठानी वसूली आई एक्विरा फाइटर्स की। एक और लाजवाब गेंद यहां पर पूरी करते हुए इकरामुद्दीन। 2 ओवर मुकम्मल हुए, 2 ओवर के बाद स्कोर है 25 और अब यहां पर इकरामुद्दीन का एक खर्चीला ओवर समाप्त होता हुआ। संतोष जी काय म्हणाल, 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावा चांगले झालेत मात्र 2 गडी गमावले, याच्यामध्ये कुठली शंका नाहीये सर, पण एक्सपिरियन्स ही कमी आहे खेळाडूंकडे। जर मोठे स्ट्रोक येत आहेत तर क्रिकेटच्या भाषेमध्ये म्हटलं जातं, जर तुमच्या बॅटमधून चौकारा षटकार आलाय तर आपण सिंगल किंवा डबल शोधायचा आहे। जर सिंगल डबल धावा आल्या त्याचं आपलं बेनिफिट आपल्याला सांगायला भेटणार आहे। तर या ठिकाणी नासिर शेख, आदरणीय नासिर शेख यांना मी विनंती करतो, या स्पर्धेचे करते धरते, अतिशय सुंदर व्यक्तिमत्व राहुल दादा यांच्या शुभ हस्ते नासिर भाई यांचं यथोचित स्वागत सन्मान केलं जातं, ज्यांची उद्यापासून पेल्लार प्रीमियर लीग। कॅमेरामॅन या ठिकाणी आणि अप्रतिम आपण पाहू शकाल पेल्लार प्रीमियर वसईफाडा च्या मैदानात नासिर भाई। ओ टू कमेंट्री बॉक्स। नए ओवर करेंगे सगीर, जिन्होंने अभी कुछ समय पहले कैच लिया था। सगीर गेंद करेंगे बल्ली को और देखिए कैसी बात है कि आई एक्विरा फाइटर्स के पास बल्ली है तो यहां पर पठान वॉरियर्स के पास वली है। क्रीज के कोने से फुल टॉस बॉल दी, बल्ली ने ड्राइव कर दिया, 1 रन पूरा करते हुए बल्ली। 26 रन 2 विकेट के नुकसान पर 74 रन बनाने हैं जिसमें 26 बने हैं। तीसरा ओवर शुरू हो चुका है, 6 ओवर के मैचेस हैं। वाल्यू प्रीमियर लीग सारंग मित्र मंडल इनके द्वारा आयोजित, सारंग का जो प्रेजेंस है, सारंग मित्र मंडल, सारंग व्यापारी बंधु, सारंग गोविंदा पथक, सारंग स्पोर्ट्स और तेजल 11, हर साल ये प्रतियोगिता का आयोजन दिसंबर लास्ट वीक में होता है, इस बार जनवरी सेकेंड वीक में। ओ, बहुत बढ़िया गेंद, धीमा रखा और क्या टर्न किया, सांप की तरह फुंकारती हुई गेंद चली गई विकेटकीपर के हाथों में और बिंदी गेंद रोक कर रखा है गोपी को यहां पर गेंदबाज सगीर ने। आज निशान जाधव ने प्रभावित किया, पहले मैच में केवल 1 ओवर में 1 रन दिए। खराब गेंद थी लेकिन इसको फेंक नहीं पाए मैदान के बाहर। गोपी की एकाग्रता भंग होती हुई मानो वो गुड शॉट की बॉल, गोपी की एकाग्रता को इस तरह भंग कर रही है जैसे रंभा मेनका उर्वशी ने विश्वामित्र की तपस्या को भंग किया था और सम्मोहिनी की तरह वो गेंद आ रही है, खेल नहीं पा रहे और बल्ली गए वहां पर। बल्ली को भी पता है कि मैं अगर अच्छा खेल गया तो जब आएगा अगला बाहुबल्ली उसमें मुझे भी रोल मिल सकता है। बल्ली नॉर्थ स्ट्राइकर एंड पर इस बार बढ़िया शॉट खेला है, अपर कट और बॉल जाएगी मैदान में बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए, फास्ट आउटफील्ड, यह सही शॉट था। इस बार गलत गेंद रही सगीर की और उस पर 4 रन वसूल करते हुए बल्लेबाज गोपी स्कोर आगे बढ़ता हुआ।
30 for 2, अच्छी भागीदारी इन दोनों के बीच में, गोपी और बल्ली। इस बार बेहतर गेंद घुमा दिया और बल्ले का मोटा सिरा लेते हुए आउट हो गए गोपी, और सगीर ने विकेट कीपर के हाथों में कैच आउट करवाया। समीउल्लाह त्याचप्रमाणे या ठिकाणी दानिश शेख यांना मी विनंती करेन, आपण समोर या, आपले यथोचित स्वागत सन्मान। राहुल दादा यांना मी विनंती करेन, आपल्या शुभ हस्ते। या ठिकाणी आपण आहोत एक उत्कृष्ट दर्जाचा खेळाडू आणि नेहमीच पेल्लार संघाचा बाहुबली म्हणून ज्यांच्याकडे पाहिलं जातं, कॅमेरात बंदिस्त केलं जाईल आमचे कॅमेरामॅन टीसीपी लाईव्हच्या माध्यमातून। राहुल दादा आणि त्याचप्रमाणे पटेल मोटर्सचे प्रोप्रायटर गुलाम पटेल यांचे यथोचित स्वागत सन्मान आपण या ठिकाणी करणार आहोत, त्यांचं सुद्धा यथोचित स्वागत सन्मान। या ठिकाणी राहुल दादा यांना विनंती करेन, आपल्या शुभ हस्ते आपण यथोचित स्वागत सन्मान करावं। थँक्यू व्हेरी मच पेल्लारकर, आपण आलात या ठिकाणी, अमूल्य वेळ दिला त्याबद्दल थँक्यू व्हेरी मच। ओव्हर टू कॉमेंट्री बॉक्स। सगीर की अगली गेंद, इस बार बॉल काफी ऊपर गई है और कोई अब यहां भी क्या छूट गया। देखिए छोड़ना है तो सिगरेट छोड़िए, पान छोड़िए, गुटखा छोड़िए, कैच मत छोड़िए। स्कोर यहां पर एक रन से आगे बढ़ता हुआ 31 3 विकेट के नुकसान पर 31 for 3। संदीप को मिलता हुआ लाइफ, कमलेश आउट हुए, वसंत सांबरे आउट हुए, गोपी आउट हुए, गोपी ने अच्छी पारी के लिए 20 रनों की 4 पर आउट हुए थे वसंत, कमलेश ने निराश किया है। और यहां पर सगीर अब 18 गेंदों में 43 रन, और आइए लेते हैं जलपान का अल्प विराम। येणाऱ्या 18 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे, विजय करता 43 धावांची आवश्यकता। आपण जाऊया डीजे मास्टर कडे, असा गेलो आणि असा आलो। संदीप 18 गेंदों में 43 रन, संदीप सांबरे, हमने नीलेश सांबरे देखा, वसंत सांबरे देखा, अब है संदीप सांबरे। सांबरे के सामने सलाउद्दीन, और यहां पर प्लेड ऑन हो गए, बिल्कुल बल्ले को लगकर गेंद स्टंप पर चली गई और गले मिलते हुए समीउल्लाह और सलाउद्दीन, उन्हें पता एक बड़ा विकेट ले लिया है। संदीप सांबरे बोल्ड सलाउद्दीन, और यहां पर अब 17 गेंदे और 43 रन। चार खिलाड़ी आउट हुए, नए बल्लेबाज है सूरज। बल्ली को वहां पर कॉपरेशन नहीं मिल रहा है, बल्ली अकेला है। कल 3 बॉल में 3 बड़े स्ट्रोक लगाने वाला बल्ली आज क्या मचा पाएगा खल बल्ली, आइए इंतजार करते हैं। बहुत अच्छा हेयर स्टाइल है बल्ली का, पूरा वाली पूछ रहा है भाई बल्ली के बारे में। सारंग मित्र मंडल और तेजल 11 द्वारा आयोजित ये बढ़िया वालियू प्रीमियर लीग WPL, सबसे बड़ी बात है वालियू के प्लेयर्स को हम प्रमोट करेंगे, खिलाड़ी टाइम पे आएंगे,
एक एक दिन में आठ आठ मैच छह ओवर के हो रहे हैं, ये भी एक रिकॉर्ड है। आज कई टूर्नामेंट्स में एक दिन में छह ओवर के आठ मैच होना मुश्किल होता है, कभी कभी आखिरी दो ओवर और एक एक ओवर के भी मैच होते हैं, तीन ओवर चार ओवर के मैच होते हैं, आठ मैच कंप्लीट होते हैं, लेकिन छह ओवर के आठ मैच कंप्लीट ये केवल वाली भी कर सकता है। सारंग मित्र मंडल, तेजल इलेवन और वालीव के हर खिलाड़ी को, उसके जज्बे को, उसकी समय सूचकता को, उसकी वक्त की पाबंदी को सलाम है। सलाउद्दीन की बॉल क्विकर बॉल थी, स्ट्रेट एंड फुल बिंदी गेंद। सूरज है यहां पर, सूरज को तपना होगा, जिस तरह आसमान का सूरज तप रहा है ऐसे अगर जमीन का सूरज तप गया तो उसकी तपीश में जल जाएंगे पठान वॉरियर्स। लेकिन क्या ये हो पाएगा? स्कोर इस वक्त अगर देखें तो 31 है, यानी कि अभी भी 43 रनों की दरकार है। इस बार उठा जरूर दिया है, कैच आउट का मौका है, हाथ को लगकर बॉल गई है वहां पर बाउंड्री लाइन के बाहर और ये लगा फ्लैट सिक्स। सबमरीन बॉल कर दी समीउल्ला, विकेटो के पीछे एक स्लिप है, एक गली, एक पॉइंट, एक एक्स्ट्रा कवर, एक लॉन्ग ऑफ। ये ऑफ साइड की फील्ड, पांच खिलाड़ी ऑफ साइड पर, चार खिलाड़ी ऑन साइड पर। समीउल्ला इस बार उठा दिया, इस बार भी बॉल क्लियर कर जाएगी। जी हां, व्हाट अ शॉट, हॉट शॉट, बिल्कुल गोल्फ खेल रहे उस अदा में उठा दिया सूरज ने, और आसमान के सूरज को सलाम करता हुआ जमीन का सूरज, और स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 43 पर पहुंचा है। व्हाट अ बैटिंग, सलाउद्दीन की गेंदबाजी की खबर लेते हुए यहां पर बल्लेबाज सूरज, और सलाउद्दीन का महंगा ओवर समाप्त होता हुआ। कुल मिलाकर चार ओवर के बाद स्कोर 43, यानी कि अब 12 गेंदे 31 रन। मागील सामना मध्ये 12-28 चा इक्वेशन होता, आता 12-31 आहे, काय म्हणाल संतोष जी? सर इथे तारीफ तर सूरजची करणं गरजेचं आहे, कारण की सलाउद्दीन खान त्याच्या विरोधामध्ये जो कोणी फलंदाजाला त्यांनी स्ट्रगल केलंय आणि त्याला स्ट्रगल करण्याकरता भाग पाडले सलाउद्दीनच्या गोलंदाजीने, पण सूरज समोर विचार नाही केला की कुठला गोलंदाज आहे, माझ्या संघाची जी माझ्या संघाला जे पाहिजे मी ते करून दाखवेल, माझ्या संघाला धावांची आवश्यकता आहे तर ते करून दाखवलंय। येणाऱ्या 12 चेंडूंचा खेळ बाकी, 31 धावांची आवश्यकता, सूरज आता फॉर्म मध्ये आलाय, जर सलाउद्दीनच्या विरोधामध्ये फलंदाजी करू शकतो चांगली तर बाकीच्या गोलंदाजांवरती देखील त्याची नजर असेल। बोलर आहे सगीर, सगीरने पिछला ओवर ठीक ठाक किया था, सगीर के सामने बल्ली, बल्ली के ऊपर सारी जिम्मेदारी है। बहुत बढ़िया गेंद, क्रीज के अच्छे इस्तेमाल को करते हुए गेंद को कोण बनाकर किया था समीउल्ला ने, बहुत अच्छी विकेट कीपिंग की है। अब 11 गेंदे 31 रन, 11 चेंडू 31 धावा, 11 बॉल्स 31 टू विन। दोन्ही एंड ने आता चौकारा षटकारांची आतिशबाजी होणे गरजेचं आहे, एक 11 चेंडू मध्ये 31 धावा एका साइडने होणार नाही तर दोन्ही साइडने प्रहार करावे लागतील। एक और लाजवाब बॉल, बिल्कुल गुड लेंथ, हिटिंग द रिप केज, उस तरह की गेंद थी। अब गेंदे बची है, 10 रन चाहिए 31, 10 चेंडू 31 धावा, 10 बॉल्स 31, 10 गेंदे 31 रन। आणि तसेच जर बल्ली एका एंडने जर निर्धाव चेंडू खेळू लागला तर सूरज वरती प्रेशर येईल आणि सूरज प्रेशर मध्ये आला तर वेगळा काही करण्याच्या नादामध्ये आपली विकेट गमावू शकतो बल्ली के ऊपर। येस, अगली दो गेंदे बहुत इंपॉर्टेंट है आई एकवीरा के लिए, और बल्ली को यहां पर स्टंप आउट किया गया है, उसकी अपील और तीसरे अंपायर की मदद।
नॉट आउट, बल्ली बच गया, लेकिन बल्ली बचा ठीक है, डॉट बॉल गई, ये भी तो अच्छी बात है सगीर के लिए। अब गेंदे बची है, 9 रन चाहिए 31, लगातार 3 बिंदी गेंदे करता हुआ सगीर। सगीर का ये ओवर निर्णायक है, यही ओवर में इस मैच की दशा दिशा तय हो जाएगी। 9 balls 31, बल्ली ने इस बार हुक तो कर दिया, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 2 रन मिलेंगे, स्कोर आगे बढ़ता हुआ। अब 8 गेंदे 29 रन, 8 चेंडू 29 दावा, 8 balls 29 रन। सलाउद्दीन, इकरामुद्दीन और सगीर, इन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है आज। सगीर अब तैयार होते हुए लेफ्ट आर्म ओवर, धीमी गेंद इस बार भी परेशान किया, क्या ओवर किया, यहां पर एक और विकेट, बल्ली आउट, बल्ली को फ्रस्ट्रेट कर दिया था, नजर कैद किया था क्रीज में और यहां पर नजर हटी, दुर्घटना घटी और विकेट कीपर ने समीउल्ला, क्या विकेट कीपिंग की है आज, स्फूर्ति भरा प्रदर्शन। सगीर ने क्या बेहतरीन गेंदबाजी की है, 7 गेंदों में 29 रन। संतोष जी, दूध में चावल डालने से खीर बनती है, दूध में चावल डालने से खीर बनती है, और जिस टीम में सगीर हो उसकी तकदीर बनती है। सगीर ने आज जो शिद्दत के साथ गेंदबाजी की है, मैच को पूरा खुला कर दिया है अपने पक्ष में। एक और धीमी गेंद यहां पर अजहर के लिए और यहां पर सगीर का ओवर, बहुत कामयाब ओवर कहा जाएगा। 6 गेंदों में 29 रन चाहिए, जब ये ओवर शुरू हुआ तो 12 बॉल 31 का इक्वेशन था, 6 बॉल 29, केवल 2 रनों का ओवर, और सगीर ने वाकई में बहुत मैच्योर गेंदबाजी की है। और निशांत जाधव ने 1 रन दिया था, सगीर ने 2 रन दिए, बेहतरीन ओवर रहा है इस वक्त पठान वॉरियर्स का। सलाउद्दीन की भी तारीफ करनी होगी, सलाउद्दीन भले कुछ रन जरूर खर्चे किए हैं, लेकिन सलाउद्दीन को विकेट दिए बगैर उससे रन वसूल करना मतलब किसी पठान से बिना ब्याज के कर्ज लेने वाली बात थी। तो कुछ रन दिए सलाउद्दीन ने, लेकिन ब्याज के रूप में विकेट भी ले लिया। और अब आखिरी ओवर, रफीक कुरैशी जो टीम के लिए लेकर आ सकते हैं खुशी, वो है कुरैशी। सर अपन सातत्याने बघितलं की जर मॅचचा जो रिझल्ट आहे सेकंड लास्ट षटकामध्ये, कारण की आपण शेवटपर्यंत मुकाबला घेऊन जात नाही, सेकंड लास्ट ओव्हर मध्ये समजतं की कुठला संघ आपली बाजी मारेल, पण यावेळेस सूरज सज्ज होता आणि चेंडूला पाठवलं जाते सरळ सीमारेषा पार, आउट ऑफ द पार्क, इट्स यूज ब्रँडेड षटकार, बहुत बढिया शॉट। टाइमिंग ऐसा लगा की पिछले ओव्हर में बल्ली ने जो ओव्हर खराब किया, मतलब बल्ली का इस मैच में प्रदर्शन उस रिक्शा की तरह रहा जिसने पेट्रोल ज्यादा खाया माइलेज कम दिया, यही अगर सूरज को गेंदे मिलती तो शायद परिणाम कुछ और हो सकता था। अब 5 गेंदे और मैच जीतने के लिए 23 रनों की दरकार, तेज तर्रार तीखा तेवर, यहां पर गेंद अपनी लाइन को पकड़ती हुई चौथे स्टंप पर, और अब 4 गेंदे 23 रन, चारों बॉल पर 6 आना जरूरी है, 4 बॉल 4 6 लगा पाएंगे। इस बार आसान कैच दे दिया शॉर्ट पॉइंट पर, अब्दुल पठान ने यह कैच लिया और आउट हो गए वहां पर। सूरज एक अच्छी पारी खेली, लेकिन आखिरकार उनके प्रयत्न कामयाब नहीं हो पाए, पठान वॉरियर्स की फतेह अब तय है। समीकरण सगीरच्या षटकामध्ये बदलले, मोमेंटम आपल्या संघाला मिळून दिलं, कारण की बल्ली चांगली फलंदाजी करत नव्हता, त्याच्या वारंवार कमजोर भागामध्ये त्यांनी प्रहार केले, गोलंदाजी चांगली केली त्याच कारणास्तव
तीन बॉल तीन सिक्स लगा दिए तो 1000 रुपए कमलेश गुप्ता द्वारा दिए जाएंगे। लेकिन देखिए इस वक्त बॉल जा रही है विकेटों के पीछे लॉन्ग स्टॉप पर, जस्ट वन रन ने दो दिए जाएंगे, वहां पर दो डिक्लेयर्ड है। स्कोर नाउ 2 balls 21 to win। सूरज को कम गेंदे मिली, बल्ली गिरे काफी, डॉट बॉल खेले सूरज, 18 रनों की पारी खेलकर आउट हुए। बल्ली का जहां तक सवाल है, बल्ली थोड़ा सा मायूस करते हुए आज। एक और बिंदी गेंद और अब यहां पर एक बॉल और 21 रन, 1 ball 21 runs। सर संदीप सामरेच फलंदाजी करण्याकरता वरती येणं गरजेचं होतं, संदीप सामरे बराच लेट आला फलंदाजी करण्याकरता, और संदीप सामरे का विकेट भी टर्निंग पॉइंट रहा इस बार। एक और कैच होते होते रह गए अब्दुल पठान, अब्दुल पठान कैच भले ही ना कर पाए हो कोई उस पर नाराज नहीं होगा, क्योंकि अब्दुल पठान ने भी यह महीने का वसूली का टारगेट पूरा कर लिया था और पठानी वसूली के साथ अब यह मैच को जीत लिया है। पठान वॉरियर्स ने बहुत लाजवाब आज क्रिकेट रही पठान वॉरियर्स की। मैच समरी आपके सामने हम लेकर आएंगे, 18 रनों से इस मैच को जीत लिया है। ये देखिए वली खान 10 ball 23, आकाश पाटिल 18 रन बनाए 15 गेंदों में, सलाउद्दीन 4 बॉल में 12 रन की पारी खेली दूसरी पारी में, गोपी सिंह 12 बॉल 20, सूरज 18 रन बनाए लेकिन अगर दूसरी पारी में देखें तो 2 ओवर 24 रन 3 विकेट सलाउद्दीन, रफीक 1 ओवर 10 रन 1 विकेट, सगीर खान 2 ओवर 8 रन 1 विकेट और इकरामुद्दीन 1 ओवर 13 रन। तो इस तरह से 18 रन से मैच को जीत लिया है। आइए मैन ऑफ द मैच की तरफ हम चलते हैं और मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है सलाउद्दीन।